सर आपने कभी चैलेंजर स्पेस शटल का नाम सुना है? चैलेंजर स्पेस शटल? नहीं सर, ये नहीं सुना है। बहुत बड़ा नाम है सर ये तो। ये सर ज्यादा नाम तो हम पहली बार ही सुन रहे हैं। ठीक है सर, आपको बताना चाहता हूँ, नासा ने एक स्पेस शटल लॉन्च किया था 1986 में। अच्छा। जो कि पूरी तरीके से क्रैश हो गया था और उसके अंदर जितने भी अंतरिक्ष यात्री सवार थे सभी लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। लेकिन कोई दुनिया में आ रहा है तो उसकी खुशी तो होती है, लेकिन कोई दुनिया से ज्यादा इस कंडीशन में ठीक है सर। तो चैलेंजर स्पेस शटल की चलिए कुछ हाइलाइट्स देखते हैं कि कैसे क्या हुआ था, कौन अंतरिक्ष यात्री थे वो, और आप देखने के बाद अपना फीडबैक दें। चलिए ठीक है सर। See the 51L crew enjoying breakfast. Mission specialist Ellison Onizuka sitting beside us. बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। Participant Krista McAuliffe. अच्छा, ये लोग जाएंगे ऊपर है ना? सबके चेहरे पर खुशहाली अच्छी खासी। Posing for their traditional shot during. पूरे ड्रेस पहना रखी है उनको है ना? एक जैसे। We have एक टीम के दिख रहा है। Commander Dick Scobie. गुलाब रखा है। Pilot Mike Smith in front of the traditional cake featuring Halley's Comet and a apple for the two lalkiyan bhi hain. Judy Resnick on the left, mission specialist along with Ron McNair and payload specialist Greg Jarvis, all members of the 51L crew, and they're going to give it another काफी उम्रदार और तजुर्बेकार लोग दिख रहे हैं मुझे। अच्छा खासा कलमन लोग जहाँ जहाँ मर्द मामा होते हैं। Including teacher and space participant and the first private citizen to fly in space, Mr. McCullough. सात लोग जाएंगे। हाँ। This is shuttle launch control at T-minus 2 hours. Here comes the 51L flight crew boarding the elevator for the second time in 2 days, ready to depart the emergency building for the launch pad. Two alarms. We'll ride down the three floors to the main level, where they will exit the ONC building. ये अभिवादन करना होंगे उनका। हाँ, है ना? मुश्किल बढ़ाना है। And this is the work crew here that has been very active in preparing. काफी पुराना दिख रहा है मुझे। At the operations and checkout building, the payloads which include a TDRS satellite, the Spartan Halley experiment. अभिवादन हो रहा उनका। पायलट माइक स्मिथ फॉलोड बाय क्रिस्टा मैकॉलिफ टीचर इन स्पेस। स्वागत वंदन अभिनंदन। चलिए गाड़ी में लेके जाएं। बिग स्माइल्स टुडे। Confidently getting into the van. अच्छा ये हम गाड़ी में बैठ के उज्जैन जाएंगे। हाँ, सब एक साथ इकट्ठे होके एक गाड़ी में बैठ के पहुंचेंगे। हर तरह का अंतिम पर रखा कंपनी को और इंडियन वो बहुत शानदार कर रखा है। तो बड़ा मैदान है यहाँ, बहुत बड़ी जगह है, पानी के बीचों बीच स्कंदा बैठेंगे नहीं। अच्छा, अरे तो बहुत खतरनाक चुनौता है, आग के शोले निकले बाबू भाई। तिरछा हो गया, बहुत ऊपर जाएगा अभी। तिरछा हो गया आपके शोर कितने निकल रहे हैं? कितना लीटर पेट्रोल जला देते होंगे यार।
बहुत ज्यादा चलता है पेट्रोल तो उसमें, बहुत भारी इंजन रहता है उसका। ऊंचा होता आपको दिखेगा नहीं। अरे बाबू जी टेढ़ा हो गया, जब जब टेढ़ा हुआ है तब मुसीबत आई। अरे बाप, अरे नहीं यार, अब बाप देखो लोग क्या दिल पे गुची होगी क्या उनका, देखते है कैसा घूम कर बाप। उनके परिवार के क्या हाल हो रहा होगा, अब जवान जवान तो बच्चे यार वो उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे थे भैया उसमें, बच्चिया थी उसमें, क्या वो देख के इनकी इनकी लाश की गिर गई होगी जमीन पे। अब भगवान जाने का लाल गिरी के कहा है कह लिए मालिक जाने, अब इतनी ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो वो फिर आग कितनी खतरनाक जाएगी, कहाँ भगवान जा सकता है अभी भी देख लो इंजन दिख रहा है, अब वो इंजन अभी भी नीचे आ रहा है, अब देखो क्या है, वो तो मलबे टुकड़े गिरेंगे तुम्हें कहना कहीं। सो बच के आ जाओ, अच्छा रे यार कितनी खुशी थी यार उनके चेहरों पे यार, चेहरे पे कितनी खुशी थी, ये देखेंगे वो देखेंगे जवान बच्ची है, जवान बच्चे है, उसके बाद ये चीजें हुई, मन को ऐसा धक्का लगा के सिरो में सब कितने खुश थे वो ज्यादा वक्त। मैंने देखा है जो सैयारे सितारों में जाने वाले जो मुसाफिर है भरोसा नहीं रहता जान का यार, खतरे का रहता है, रिस्क तो रहता है उनका। इस तरह की पिछली कई वीडियो देखी लेकिन आज थोड़ा सा वो लगा मुझे यार कि ये चीज भी तो हो सकती है, एकदम मायूस कर देने वाली वीडियो दिख रहा है, पानी में गिरा कुछ चीज मलबे समंदर के अंदर, हाँ जहाज पहुंच गया, जहाज क्या जहाज है शायद, पानी में आग लगा दी क्या, अब गिरा देखो। हाँ कभी हो सकता है जिंदा भी हो या कभी वो कोई जहाजों को दौड़ाना चाहिए इनको, जल्दी जाओ रे जल्दी, लेकिन कितनी दूर है भैया वो तीन तीन अलग अलग टुकड़े करना बड़े बड़े गिरे जा रहा है। अरे तो वो कितना बड़ा था वो पानी में, चार पांच मंजिला वो गिरा पानी में इंसान को तो पल भर की खबर नहीं कि कब क्या हो जाए उसके साथ, देखो ना अभी कहीं घूम जाए बादल को, बादल बन गया देखो उठा था नहीं, देखो धुएं का बादल बन गया, धुएं को डिजाइन चेंज हो गया यार, बड़ा खतरनाक दृश्य देख लिया यार बाबू यार, बहुत ही दर्दनाक वाला हादसा था ये, बाप रे बाप, बड़े दुखद तो निंदनीय घटना हुई यार। साहब ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे की ये मचा उनके सब उनके चेहरे पे जो खुशी दिखी थी कि सब अब हम जाने वाले हैं और हम यही रहे हैं, इसके पहले उन्होंने कितनी मेहनत भी करी होगी, प्लान बनाए होंगे, सब कुछ उन्होंने सोचा होगा, लेकिन अब उनको भी उनके फैसले को भी ये चीज़ हमेशा होने वाली है, और लेकिन जब जैसे वो
बैठे और जैसे वो क्रश में सब देख कर दिल के बहुत सदमा हुआ। बच्चियाँ थी, जवान जवान बच्चे थे, जवान बच्चे साथ में उनके वो भी थे और सब ये तो इतने लोग हैं, बाकी दिल को बहुत झटका लगा मेरे। दुखदायक तो ये खे पूरी वीडियो रही, शुरू में तो मुस्कुराए वो, एंड में आके दिल मेरा एकदम बैठ सका क्योंकि हर एक के साथ एक हर एक का परिवार लगा लिया था, लगा लिया होगा खुशी शुरू में तो खुशी थी, वो एंड में कैसा गम पहाड़ टूट गया होगा सबके चेहरे सब मायूस होगा, वो ऊपर जाके क्या हुआ एकदम बम सरी का फट गया रैकेट। पर बहुत दुखदायक रही वीडियो तो आज के लिए। सर ये जो है कि वीडियो के अंदर मैंने गौर करा कि सालों की उस कंपनी की मेहनत होगी, इन लोगों की मेहनत होगी, नुकसान तो बहुत हुआ सर, जान का भी हुआ माल का भी हुआ। क्या पता सर, मैं चाह रहा था कि मैं जो सोच रहा था कि कुछ ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा होता कि वो बच जाते, पता नहीं सर वो पानी में, मतलब पिछली वीडियो देख चुका था कि लोहे की कटोरी से इंसान बच जाता, बाकी वो शायद वो शायद मलबे भी क्या मिले होंगे, शायद वो जल के पूरा सर खा के होगा सर। ये जो वीडियो देखी और ये जो हादसा जो हुआ इसके जो मन बैठा तो एक दुखी आत्मा से ये एक दो कड़ी याद आ रही, अगर आपके आगे हो तो मैं जाने वाले लौट के नहीं आते, जाने वालों की याद आती है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारी तरफ से। भगवान कहते हैं कि आत्मा को शांति, इतनी प्रार्थना है भगवान।